तो सांचौर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने वर्तमान विधायक और राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी की ओर से वर्तमान सांसद देवजी पटेल को मैदान में उतारा गया है। तमाम मुद्दों को लेकर सांचौर की जनता से एनडीटीवी राजस्थान ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के मूड को जानने की कोशिश की है। मेरे सहयोगी श्याम विश्नोई ने एक रिपोर्ट दरअसल तैयार की है और वहां पर लोगों से बातचीत भी की है, सुनिए। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रणभेरी बज चुकी है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जिसके चलते कहीं पर कांग्रेस के अंदर तो कहीं बीजेपी के अंदर विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से जिन सांसदों को टिकट दिया था, उसके बाद से लगातार उन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर घमासान मचा हुआ। इसी के चलते आज हम जो है सांचौर विधानसभा सीट पे पहुंचे और सांचौर विधानसभा के तमाम उन वोटर से बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि इस बार का क्या है उनका मूड और इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और यहाँ के लोग किन को चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में सांसद देवजी एम पटेल, तो वहीं कांग्रेस ने सुखराम बिश्नोई जो फिलहाल राज्य मंत्री है और वो सांचौर से विधायक है, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्थानीय लोग होंगे। पहले बस अब किस तरीके का माहौल है इस बार जो है सांसद? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा है। क्या है इस बार जनता का मूड? जनता का मूड काम बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए जनता का मूड बहुत अच्छा है। इस बार कौन सी सरकार बनेगी राजस्थान? कांग्रेस। कांग्रेस बनेगा, मैं कहता हूँ भोलनाथ धड़के के साथ कांग्रेस आएगा। निश्चित तौर से यहाँ के जो लोग है उनका ये मानना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही कौन सी ऐसी समस्याएं हैं इस क्षेत्र के अंदर जो अभी भी मुकम्मल है और उनका जो है समाधान नहीं हो पाया, तो वो समस्याओं के समाधान की कौन सी आप लोग डिमांड मानते हैं? सरकार तो देखो गए कांग्रेस आउन की तय है ही, 100% का काम बहुत बढ़िया हो जाए, 100% काम हो जाए। थोड़ी सी है तो नहर के बारे में है, नहर में थोड़ा नहर के इन सीजन के में थोड़ा बहुत पानी कम आवे, थोड़ा कनेक्शन नहीं है, थोड़े पीड़ में उन्हें थोड़ा बहुत नहर के बारे में है। यहाँ की जो जीवनदायिनी कहे जाने वाली नर्मदा नहर है परियोजना, उसको लेकर लोगों की हालांकि शिकायतें हैं, तो इसको लेकर मंत्री सुखराम बिश्नोई ने भी कल हमसे बातचीत करते हुए यही कहा था कि जिस जो काम अधूरे रह गए हैं उन कामों पर विचार किया जाएगा इस बार, अगर यहाँ की जनता भरोसा। क्या कहेंगे इस बार कौन से ऐसे काम है जो सांचौर के लिए सौगात बने और कौन से ऐसे काम है जो रह गए, जो उम्मीद करती है जनता के आने वाले समय में? इस बार माननीय मंत्री महोदय जी ने हमारे सांचौर के लिए 4-4 कॉलेज खुलवा दी और शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय ट्रॉमा सेंटर, और अभी पानी के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं किसानों के लिए नहरों में डिक्कियों में अपने पानी के लिए, बाकी सब तरह की व्यवस्थाएं यहां पर माकूल है। बीजेपी में भी जो है टिकट जारी कर दिया, लेकिन आपस में घमासान मची है, क्या बीजेपी के अंदर बिल्कुल बिखराव है। बीजेपी के अंदर 3-3 लोग लड़ रहे हैं आपस में, देवजी एम पटेल वो उनको प्रत्याशी बनाया है तो उनका विरोध चल रहा है, और जीवाराम जी अलग से दौड़ रहे हैं, दाना राम जी अलग से दौड़ रहे हैं, तो इनके अंदर पूरी तरह से बिखराव है। इसलिए जनता ये सोच रही है कि बिखराव है तो हम क्यों ना जो काम करने वाले व्यक्ति है के धनी है सुखराम जी उनके साथ में जुड़ जाए और क्षेत्र का और अपने सांचौर का चितलवाना का विकास के आयाम देखे। वो युवा भी है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या मंशा है इस बार, सरकार का क्या रुख रहेगा। हमारे साथ वीरू जी क्या कहेंगे, क्योंकि वर्तमान के अंदर एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर अच्छा काम हुआ है, ऐसे में कौन से ऐसे वो काम है जो सांचौर की जनता की उम्मीदें हैं इस बार के आने वाला जनप्रतिनिधि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और कौन से ऐसे गौरवशाली काम हुए हैं जो सांचौर के लिए सौगात बने? गौरवशाली तो आप उठा करके देखें, सब हमारे सामने है कि जो पिछले आजादी के बाद दी हुए 5 साल में यहाँ एक भी कॉलेज नहीं थी, मंत्री महोदय ने 5 कॉलेज खोल दी। यहाँ साहब 40-42 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, मंत्री जी ने उसको डबल से 100 से ही आंकड़ा पार कर दिया। इस तरह की तमाम चीजें हैं। उम्मीद करते हैं कि मिशन 2023 के अंदर आम जन की भावनाओं को जो सर्वोपरि रखकर आम जन की समस्याओं के समाधान करने वाले व्यक्ति के साथ में किस तरीके का जनता का रुख रहेगा, और पिछले 5 साल से मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कितना काम करवाया, ये उनकी परीक्षा की घड़ी है, उसके अंदर तमाम चीजें वोट बैंक से सामने आ जाएगी। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, सांचौर।